वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूं अभी रामपुर में। और आपको बता दूं, रामपुर एक बहुत ही ऐतिहासिक शहर है, स्पेशली राजा लाइब्रेरी जो एशिया में टॉप 10 में आती है। लेकिन आज हम वहां नहीं जाने वाले हैं, आज हम लोग जा रहे हैं कोटी खास बाग, जो खुद में बहुत ही फेमस है। क्यों फेमस है ये मैं आपको ऑन द वे बताऊंगा। तो कोटी खास बाग के बाद हम लोग जाएंगे बैनाजीर की कोटी, और उसके बाद हम जाएंगे कोसी रिवर। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे कोटी खास बाग। जुबर भाई, बाइसेप्स दिखाओ जरा। जो भाई देखो, बाइसेप्स ऐसे दिखाना। बाइसेप्स इसके लिए गलत वर्ड होगा, असली वर्ड है डोला। कितने इंच का है फिर ये डोला भाई? 19 इंच का है। अरे गजब। और ये दो लौंडे इधर कोटी खास बाग में घुसपैठ करते हुए। ये कोठी 1930 में बनकर तैयार हुई थी, और अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो ये करीब 200-300 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें करीब 1 लाख पेड़ लगे हुए हैं। इस कोठी में कुल मिलाकर 200 रूम एंड हॉल्स हैं। यूरोपियन एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर का बेजोड़ कारीगरी का नमूना है ये, बट अभी प्रॉपर मेंटेनेंस ना होने की वजह से खंडर हो रही है। इसे इंडिया का फर्स्ट एयर कंडीशन कोटी भी कहा जाता है। कुछ लोग इसे हॉन्टेड होने का भी दावा करते हैं, बट मैंने ऐसा कभी कुछ नोटिस नहीं किया यहाँ पर। मुझे याद है स्कूल टाइम में अराउंड 2007 में हम लोग अक्सर यहाँ आया करते थे।
ईंटें हैं यहाँ की? ईंटें अगर देखें तो ये हैं 1896 की, 1881 की भी रुकी है। 1896 है। ये पुराना ब्रिज है और नए ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। चल के देखते हैं यहाँ पे आगे उतरने की जगह है या नहीं। जुगाड़ बना है तो अपने को जैसे तैसे निकलने का, नीचे आने का रास्ता मिल ही गया। शानदार नज़ारा। आगे इधर कुछ लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं। ये आगे लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं शायद।